आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशा खान। बात करेंगे पीएचई एम्प्लॉयज़ की। पीएचई एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे हम यहां पे। अभी हम पीएचई डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। इनके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सिर्फ इन्हें ही दिक्कत नहीं होगी, वहाँ हम अगर बात करें आम जनता को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुभाष वर्मा जी और इनके सहयोगी भी यहाँ पर साथ हैं। सर, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अगर ये डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो जाता? प्रॉब्लम्स तो पीएचई डिपार्टमेंट में हमारे जो स्थायी कर्मचारी हैं, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हैं, पहले से ही वो प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। अब जैसे हमारी जो है स्थायी कर्मचारी है, उनकी पदोन्नति जहाँ होने का जो एक प्रोविज़न था, वो डिवीज़न लेवल में हमारी प्रमोशंस होती थी। अब उन्होंने ये डिपार्टमेंट ने कहा हुआ है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये हमारे जो रूल्स हैं, जो है स्टैंडिंग रूल है, उसके खिलाफ है। तो इन्होंने क्या किया कि हमारी जो सीनियरिटी थी वो प्रोविंस लेवल की या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसकी सीनियरिटी को कंसोलिडेट करने का काम शुरू किया। अब काम शुरू किए हुए 2-3 महीने हो गए हैं, वो भी एक फाइनल नहीं हुआ। अब उसके साथ साथ हमारा जो है जो भी सरकार की तरफ से, जैसे अब आ गया आर्डर नंबर 39/15/2021 को आया। अब इसके लिए हमारे जो कर्मचारी हैं, जो जहाँ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाने वाले हैं, वो इसके प्रति नाराज़गी प्रकट करते हैं, वो नाखुश हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले ही हमारा एक प्रमोशन प्रोसेस जो अफेक्ट हुआ है, वो कभी हमारी लाइफ टाइम में जहाँ जो सर्विस स्टैंडर्ड में प्रमोशन ही नहीं होती थी, उसका कोई सिस्टम नहीं था, सिस्टम बनने जा रहा था, अब उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं, चाहे डेली लेटर वर्कर्स है, वो भी हमारे लोग हैं, हम अपने जो प्लेटफार्म से पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फंड के प्लेटफार्म से अन ह्यूमन ट्रेनिंग ग्राउंड की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्थायी कर्मचारी की आज प्रेस बात है, तो वो भी इफेक्ट होने जा रहे हैं। सरकार ने जैसे उनको कहा हुआ है कि आपकी रेगुलेशन होगी या आपका जो पेंडिंग बेसिस है वो उनका बैकलॉग जो है एरियर्स वगैरह उसको रिलीज़ करेंगे, या फिर आपकी मंथली बेसिस, ये सारे इश्यूज आपके सेटल करेंगे, वो भी मांग कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि उनके जो सारे इश्यूज पहले सरकार सेटल करें, क्योंकि अब दूसरे डिपार्टमेंट में जाना जो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं सर, है। अगर बात करें यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, अगर हम बात करें, जो उनके कर्मचारी हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं और जो आपके कर्मचारी हैं वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते, क्या आपको पहले इतला किया गया था कि आपके डिपार्टमेंट को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है? हमारे साथ कोई सरकार ने कोई इस चीज़ की हमें कोई जानकारी नहीं दी, ना हमें हमारे साथ कोई इसको कंसल्ट किया है। हम चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि हमें काम करने में कहीं भेजो, कोई कंट्रोल करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से आप एक हमारे साथ एक भेदभाव कर रहे हो, आपने दूसरे डिपार्टमेंट में जो थे उनका आर्डर इस प्रकार से निकाला कि आपको ऑन डेपुटेशन वहाँ भेजना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, वो एक अस्थाई व्यवस्था है, टेम्पररी अरेंजमेंट। तो टेम्पररी अरेंजमेंट अगर वहाँ उनके लिए है तो पीएचई डिपार्टमेंट के लिए भी टेम्पररी अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्टेट ऑर्डर फिर कभी बन सकती है, तो ये सारा सिस्टम बदल भी सकता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारा जो है फ्यूचर जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है, हमारी जो प्रमोशन है प्रोटेक्ट नहीं है, तो हमारा आगे ही जहाँ डिपार्टमेंट की जो हमारे प्रति जो है उदासीनता है या फिर जो हमारी इग्नोरेंस है, जो है डिपार्टमेंट बार बार करता है, कोई भी आदेश आता है कर्मचारियों को विरोध में आता है, खिलाफ आता है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए राजी नहीं है। पहले ही इनकी वजह से हमारे सैकड़ों कर्मचारी जो हैं वो कोर्ट में चले गए हैं, उनके सर्विस मैटर जो है कोर्ट में, जो पेंशनर हैं उनके कोर्ट में चल रहे हैं, वो भुगत रहे हैं इनकी वजह से। अब वो दूसरे डिपार्टमेंट में भेजेंगे, वहाँ कैसी व्यवस्था है, वहाँ देखिए आप मैक्सिमम कर्मचारी जो हैं, मेजॉरिटी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पर उनको बेचारों को 200 रुपया मिनिमम मिलता है, म्यूनसिपैलिटी के पास क्या रेवेन्यू है, कुछ भी नहीं है। अब हमारे कर्मचारी भी वहाँ नाराज हैं, आम जो पब्लिक है वो भी नाराज है। सर, आम पब्लिक की यहाँ पर बात करेंगे, आम पब्लिक को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? आम पब्लिक जो आती थी अपने अपने सब डिवीजन में, आप अपने जो नियरेस्ट जो उनकी जो पीएचई की जो भी एस्टैब्लिशमेंट होती थी वहाँ जाते थे, वो रेवेन्यू डिपॉजिट करवाते थे। अब वो भी कहते हैं, हमारे कर्मचारी सुनते हैं ना जो उनको डील करते हैं, वो भी नाराज हैं, ये सरकार हमें अब दरबदर कर रही है, अब नई नई चीज़ें ला रही है, तो वो नाराज है, वो ठीक है अपने तरीके से प्लट करें, लेकिन हमारी नाराजगी ये है कि हमारी जो लीन है, हमारा जो सीनियरिटी है, हमारा जो आप लॉन्ग विद पोस्ट भेजने का फैसला कर रहे हो, वो इस प्रकार का निर्णय जो आप वापस लो और हमारी सीनियरिटी लीन। आखिर में आप क्या डिमांड करते हैं? हमारी ये मांग है कि इसको ये अपना निर्णय बदलो, हमारी सीनियरिटी भी जा रहा है, हमारा लीजन भी जा रहा है, हमारी पोस्टें भी जा रहा है, हमारा जो वर्किंग सर्विस कंडीशंस जो हैं वो सर्विस रूल जा रहे हैं, ताकि हमारा भविष्य जो है कर्मचारियों को वो इंटैक्ट रहे, प्रोटेक्ट रहे।
चलिए, साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर ये एक सरकार को गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी कहीं ना कहीं, जो स्टेटहुड को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस तरह से साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कभी भी वापस आ सकता है। हम पहले से ही डिस्टर्ब्ड हैं, हम और डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। अगर बात करें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो इनके एम्प्लॉयज़ भी खुश नहीं हैं और इन्हें इत्तला भी नहीं किया गया था कि इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इसीलिए ये अपनी मांगें सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।